हम लोग ममता बनर्जी की सरकार और उसके अधिकारी, उसके पुलिस अधिकारी टीएमसी के लिए काम करने वालों को चेतावनी देने के लिए यहां पर आए। सुप्रीम कोर्ट में जब हमने यात्रा निकालने की बात कही थी तब इन लोगों ने कहा इससे खतरा होगा, हम लोगों ने कहा चलो हम सभा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभा करने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यहां मुर्शिदाबाद का एसपी, यहां का डीएम, यहां का एसडीओ, यहां का थानेदार, यहां का अधिकारी, इन लोगों ने हमको यहां सभा करने से रोका है। मैं पूछना चाहता हूं ये ममता बनर्जी जब बीजेपी के साथ थी तो उनको बीजेपी बहुत अच्छी लगती थी, तब बीजेपी सांप्रदायिक नहीं थी, आज बीजेपी उनको सांप्रदायिक लगने लगी, आज बीजेपी उनको ऐसी लगने लगी है जैसे बीजेपी के नाम से दीदी को नींद नहीं आ रही है। आप क्या संदेश देना चाहते, क्या इस देश में, क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए? यहाँ का एसडीओ भागा हुआ है, यहाँ का एसपी भागा हुआ है, हम लोग यहाँ पर आए, मैं भागलपुर से अंगराज कर्ण की भूमि से आया हूं, हम डरने वाले नहीं। मैंने कलकत्ता में कहा रोक सके तो रोक लो, शाहनवाज हुसैन मुर्शिदाबाद आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और हम यहाँ पर आपके बीच में आए, हमारे आज कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं, हमारे यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए, लेकिन हमें सभा की परमिशन नहीं दी गई, माइक की परमिशन नहीं दी गई। हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस तरह की जुल्म ज्यादती यहाँ पर हो रही, यहाँ पर शारदा चिट फंड में गरीबों का पैसा लूट लिया गया, दीदी हवाई चप्पल पहनकर चलती, हेलीकॉप्टर में चलती है लेकिन हवाई पर चप्पल पहन के चलती, और हम उनसे कहने आए आप गरीबों की नेता बनती थी, आपकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होती, आप बड़ी बड़ी रैली करते हो, ब्रिगेड में पुलिस वाले को कहा सबको पकड़ पकड़ के लाओ, कोई जा नहीं रहा था, पकड़ पकड़ के ले गए, पुलिस वाले सादी वर्दी में, वर्दी पहने बिना वहां ब्रिगेड में जाकर बैठ गए, भीड़ नहीं आ रही थी, सबके जिम्मे लगाया गया, पंचायत का चुनाव हुआ, आपने बूथ को लूटने का काम किया है, और यहाँ पर इस इलाके की जनता को डराने का काम किया है। हम उनको कहना चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है, हमारी सभा नहीं करने दी गई, इसका जवाब मुर्शिदाबाद के लोग लेंगे। शाहनवाज हुसैन को पहले तो दीदी हेलीकॉप्टर में लेकर मुर्शिदाबाद आई थी, आज मैं इतना बुरा हो गया कि मेरे आने से कोई तनाव पैदा हो जाएगा, मेरी रैली रोक दी गई, आप रैली रोक सकते हैं, आप परमिशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज को कोई रोक नहीं सकता, हम यहाँ पर आए हैं कहने के लिए, और बीजेपी के वर्कर को ये सब कहने के लिए आए हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी है, अमित शाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम इकट्ठे होकर एकजुट होकर, दिलीप घोष हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज मुकुल राय हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम लोग सब कार्यकर्ता के साथ हैं, जितना भी दमन की नीति चलेगी उतने दमन की नीति के खिलाफ हम लोग सख्ती से लड़ने का काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब सुदीप पकड़े गए तब ममता दीदी नहीं धरने पर बैठी, जब उनके मंत्री पकड़े गए तो ममता दीदी धरने पर नहीं बैठी, ये पुलिस वाला मुंबई पुलिस, ये अपने कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर राजीव, ये जैसे इससे सीबीआई पूछताछ करने गई, दीदी का क्या राज है जो दीदी भाग के गई उसके घर, धरने पर बैठ गई, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कितना दीदी धरना दे, पूछताछ से नहीं बच सकते, पूछताछ तो होगी, जवाब तो देना पड़ेगा, और इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आज यहाँ पर आए हैं, और बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार को बंगाल की भूमि से हम उखाड़ नहीं फेंकेंगे, ये उनको चेतावनी देने के लिए हम यहाँ पर आए, इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारे वर्कर जाएंगे और ज्ञापन जाकर देने का काम करेंगे, इसलिए हमारे एसडीओ के यहाँ, एसडीओ को फोन लगाया, बोला इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में है,
कानून खाता न बही, और एसडीओ को जो भी ममता जी कहे वही सही। ये लोग ममता जी की, ये सरकार की गुलामी नहीं कर रहे, तनख्वाह मिल रही है सरकार से, आदेश मिल रहा है टीएमसी के ऑफिस से। टीएमसी के लोगों ने आज हमारा झंडा यहाँ पर बीजेपी का उखाड़ने का काम किया, कितना कीचड़ फेंक दो, जितना नरेंद्र मोदी पर कीचड़ फेंकोगे उतना कमल के फूल की तरह वो खिलकर आएंगे, क्योंकि सबका साथ सबके विकास वाले। इसलिए आज प्रोटेस्ट के तौर पर हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ जो अधिकारी खड़े हैं आप आइए, अगर एसडीओ भाग गया है तो उसकी जगह जो और अधिकारी है वो हमारा ज्ञापन ले ले। हम सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं, और ज्ञापन में है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर मीटिंग करें तो कर सकते, अगर मैं यहां बोल सकता हूं तो, अगर मैं मैदान में बोलता तो क्या दिक्कत थी। लेकिन पता था इंटेलिजेंस को कि 30-40 हजार लोग आने वाले हैं, शाहनवाज आएगा, और दीदी तो खासकर मुसलमानों को बड़ा भारी बेवकूफ बना रही, सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी से डरा रही है, काम कुछ नहीं कर रही। मुर्शिदाबाद में 70% आबादी है अल्पसंख्यक समाज की, उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी और बीजेपी आएगी तो हम सबका काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास। अगर हमने टैक्स में 2.5 लाख से छूट 5 लाख की तो सबके लिए की, एक जात के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस को कहना चाहते हैं, वो रोकना चाहते थे, योगी जी का हेलीकॉप्टर रोक दिया। मैंने सोचा, मैंने दिलीप घोष जी से कहा, मैं मुर्शिदाबाद भले मैं हवाई जहाज का मंत्री रहा हूं लेकिन मैं हेलीकॉप्टर से नहीं जाऊंगा, मैं रोड से जाऊंगा। फिर दीदी बहाना लेगी कि हेलीकॉप्टर का जगह नहीं है। तो मैंने रोड से मैं आया, और रोड पर आकर आज यहां पर मुर्शिदाबाद में संदेश देके गया। टीएमसी वाले, जहां से आप सोचना बंद करते हो ना, वहां से अमित शाह सोचना शुरू करते हैं। आपने सोचा था कि अगर यहां पर रैली का परमिशन माइक का नहीं देंगे तो शाहनवाज आएगा नहीं। ये शाहनवाज है, ये आएगा भी और सुनाएगा भी। हमने पार्टी का प्रवक्ता ऐसे थोड़ी बनाया। हम तो दीदी बीजेपी तो बड़ी अच्छी लगती थी आपको, तब बीजेपी सांप्रदायिक नहीं थी, जब छुक छुक गाड़ी पे आप चलाती थी अटल जी बिहारी वाजपेयी की रेलगाड़ी, रेल मंत्री पहली बार किसने बनाया आपको, वही सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी ने। और दीदी जब रेल चलाती थी तो उसी वाजपेयी जी की सरकार में मैं हवाई जहाज उड़ाता था, यानी मैं हवाई जहाज का मंत्री था और दीदी रेल मंत्री थी। और रेल कितना स्पीड से चलता है, 140, हवाई जहाज कितने स्पीड से चलता है, 840। तो हम जहां आप सोचते हैं 140 के स्पीड से, उन्होंने सोचा और मैं 840 के स्पीड से पहुंच गया। इसलिए मैं आपसे कहने आया, उनको लगा शाहनवाज तो हवाई जहाज का मंत्री रहा, हेलीकॉप्टर पे आएगा, लेकिन मैंने, और मैं बता के आया, निडर होके आया, मैंने अपने फेसबुक पे ट्विटर पे लिखा मैं जा रहा हूं मुर्शिदाबाद, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, आया हूं मुर्शिदाबाद, खड़ा हूं मुर्शिदाबाद के अंदर, अगर तृणमूल सरकार में दम है तो रोक कर दिखाती। हम आए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष और जिला के सभापति और तीन लोग अपने जिलाध्यक्ष जी गौरी बाबू, हिमायूं कबीर साहब हमारे, ये हमारे नेता एक्स मिनिस्टर, देखो महफूजा खातून साहिबा, अभी दिल्ली में एक से मिले, अभी मेरे यहाँ आई थी, वहाँ दिल्ली में मेरे घर आए थे ना, मैंने इनको चाय पिलाया, नाश्ता कराया। मैंने कहा आप हमारे मुर्शिदाबाद से, हम दूर थोड़ी हैं, बगल में दालकोला किशनगंज, ज्यादा दूर है क्या? और बीजेपी सांप्रदायिक होती तो ये महफूजा जी, ये हिमायूं साहब और ये शाहनवाज हुसैन बीजेपी में रहते। अरे हम लोग जो इस मात्र भूमि से प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए आपके बीच में आए हैं। ये हमारे हिमायूं कबीर साहब, गौरीदा, महफूजा जी, ये सब लोग जाके ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से एसडीओ के स्टाफ को दे के आइए। एसडीओ भागा हुआ है इसलिए अभी मिलेगा नहीं, उसको मैंने फोन किया था, कहां है,
कह रहा इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में, इलेक्शन कमीशन का आदेश नहीं मानते, बूथे छपा देते हैं, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं और ये ज्ञापन जाकर सौंपाइए। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আজকে এটা জেনে রাখুন, আজকে আমাদের মিটিং এর পারমিশন দেওয়া হয়নি, মাইকের পারমিশন, তবে এটা জেনে রাখুন, ভারতীয় জনতা পার্টি বিনা যুদ্ধে নাই দেব সূচাগ্রমে দিনী।